यूपी में दो फाड़ के बाद कांग्रेस नेता विपक्ष पद पर ठोका दावा। चर्चा के लिए बुलाई बैठक। महाराष्ट्र में एनसीपी में दो फाड़ के बाद कांग्रेस ने नेता विपक्ष के पद पर अपना दावा ठोक दिया है। पार्टी ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए मंगलवार को बैठक भी बुलाई है। बता दें कि महाराष्ट्र में हाल तक अजीत पवार नेता विपक्ष का पद संभाल रहे थे, लेकिन अजीत पवार के सरकार में शामिल होने के बाद नेता विपक्ष का पद खाली है। साथ ही एनसीपी में टूट के बाद अब कांग्रेस राज्य की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी हो गई है। इसके बाद कांग्रेस ने अपने नेता को इस पद पर बिठाने की तैयारी शुरू कर दी है। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता बाला साहेब थोराट ने कहा है कि एनसीपी अब सिर्फ अपनी पार्टी के नेता विपक्ष को ही नियुक्त कर सकती है। बता दें कि नंबरों के मामले में सबसे बड़ी विपक्ष पार्टी को नेता विपक्ष का पद मिलता है। एनसीपी के 53 विधायक हैं, वहीं कांग्रेस के 45 विधायक हैं। अजीत पवार की बगावत के बाद एनसीपी में अब विधायकों की संख्या घटकर 44 रह गई है। इनमें से भी कई के अजीत पवार के साथ जाने की चर्चा है। ऐसे में कांग्रेस महाराष्ट्र की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बन गई है, जिसके बाद पार्टी ने नेता विपक्ष पद पर अपने नेता की नियुक्त करने की तैयारी भी शुरू कर दी गई है।